देखो भाई, ये क्वेश्चन बी पार्ट का है। अभी जो परसों एग्जाम हुआ उसी का क्वेश्चन है। सो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, और एक 30 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर एक रिजल्ट आपको, सिंपल एक रिजल्ट पता है, तो ये क्या कह रहा है कि लेट एफ बी ए रेशनल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड गिवन बाय दैट फंक्शन। रेशनल फंक्शन का मतलब वो पी अपन क्यू के फॉर्मेट में जो लिखा है, पी एक्स अपन क्यू एक्स की फॉर्मेट में जो होते हैं वो रेशनल फंक्शन कहलाते हैं। लिखा दिखाई दे रहा है हमें रेशनल ही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछिए इसके लिए। तो फंक्शन लिख लिया हमने, वही ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। अच्छा, ये जो कोई फंक्शन होता है, अगर वहां पर किसी भी पॉइंट के अराउंड टेलर सीरीज का एक्सपेंशन पूछा है, तो वो ऐसे दिया जाता है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन एट जेड इक्वल टू वन इज गिवन बाय दिस समेशन ए एन जेड माइनस वन टू द पावर एन। ये वन जो होता है ये कहलाता है अपना सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस। ये सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस दे रखा है। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस से फंक्शन में जो नियरेस्ट सिंगुलरिटी मिलती है वहां तक की डिस्टेंस, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहलाती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो हमें बिल्कुल साफ ये बात दिखाई दे रही है कि यहाँ पर सिंगुलरिटी कहाँ पर आ रही है, सिंगुलरिटी आ रही है यहाँ पर जीरो पर। सिंगुलरिटी कहाँ पर आ रही है, जेड इक्वल टू जीरो पर सिंगुलरिटी आ रही है भाई। क्लियर हो गई बात। तो जीरो से लेकर के सिंगुलरिटी जीरो, वन और जीरो, वन से लेकर जीरो तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो क्या हो गया भाई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी हो जाएगी, वन से लेके जीरो तक। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस से पहली सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी कहाँ मिल रही है, नियरेस्ट सिंगुलरिटी जीरो पे मिल रही है। ये जो डिस्टेंस होगी कितनी है, डिस्टेंस वन। तो बस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गई वन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझको जरूर बताएं, ठीक है। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज द लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।